क्या लग रहा है? बिल्कुल लाइट तो है नहीं। अच्छा लाइट है नहीं, बिना खोजा कर्जी पब्लिक हो गई, अभी क्या करे। अच्छा मोदी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार फिर से मोदी आएगा, तीसरी बार? तीसरी बार क्या आएगा, महंगा बढ़ाया, लाइट नहीं मिली है, मोदी के नजदीक कोई भाई का नहीं। अच्छा तो भी लोग तो मोदी को पसंद करते ना, अभी अभी चुनाव हुआ तो भी राजस्थान के अंदर 12 महीने में लोग भूख मरेगा, लाइट नहीं मिलेगा तो। अच्छा आप देखिए, ये किसान है जो की बनेगा राजस्थान के अंदर, बिक्यारी बनेगा, लाइट नहीं मिलेगा तो। अच्छा बिजली की बड़ी समस्या गांव के अंदर, बड़ी नहीं तो कांग्रेस के अंदर समस्या नहीं थी क्या? अरे कांग्रेस कम थी, इतनी नहीं थी, अभी 3 घंटा 2 घंटा दे रही है। अच्छा पहले कितनी आती थी? पहले 8 घंटा आते, अभी भी सक्की का आटा पीस रही है। हाँ उस वक्त भी किसान, यहाँ के किसान तो प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त गहलोत सरकार ने लाठियां चला दी, वो कांग्रेस की देन है। ठीक है, रही बात आप बार बार ये बातें कहलवा के, एक विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में फर्क है, तो आप अपनी बात मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। जनता का मिजाज, जनता मैं चुनाव के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, चुनावी आंकड़ा कौन सा वाला भाई, अपन वर्तमान के सिनेरियो में जो वो होगा ना। अब और दूसरी चीज है कि आज लोकसभा के यहाँ के अपने सांसद कौन है, कैलाजी चौधरी। अब कैलाजी चौधरी का यहाँ कंट्रीब्यूशन क्या है अपन देख लीजिए, कोरोना काल में क्या हुआ, उन्होंने एयरपोर्ट यहाँ बना दिया, उन्होंने शानदार रेलवे स्टेशन बना दिया, किसानों को क्या कहते हैं वो काले कानून जो आए थे बाजरे के लिए स्टार्ट कर रहे हैं ना, वहाँ क्या कर रहे हैं, चालू पूजन कर दिया अभी। हाँ बस भूमि पूजन कर दिया क्योंकि वोट आने वाले नहीं। आप देखिए एन वक्त पे जो काम होता है, जब कांग्रेस कोई काम करती है तो आप मंदू कहते हैं रेवड़ियां। अरे भाई जब जनता को पैसा दिया जाता है, जनता को लाभ दिया जाता है तो ऐसे है कि 25 सीटें आने का नहीं है। इस बार क्या है कि बाड़मेर के अंदर प्रियंका जी चौधरी है, रविंद्र सिंह जी है, तो उनका मतलब इतना अभी वो गेम बिगाड़ सकते हैं, मतलब बीजेपी को उनको चुनाव से पहले इनको पार्टी के अंदर ले लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो उनके उनके नुकसान कर सकते, उनके समर्थक है वो बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाड़मेर और जैसलमेर, आप जैसे लोग कहते हैं कि रेवड़ियां बांटी जा रही है, तो ये महोदय क्या कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए कि ये सरकार जो आई है मोदी सरकार, उसके बाद में महंगाई बढ़ी या घटी बताइए, महंगाई बढ़ी या घटी, तो बेरोजगारी बढ़ी? यूपीए गवर्नमेंट के दौरान महंगाई नहीं बढ़ी थी क्या, यही मुद्दा था? बिल्कुल मैं ये बात कह रहा हूँ, जब हमारे समय में महंगाई बढ़ी हुई थी तो हमारी सरकार गई। आज के टाइम में क्या सरकार गई, उसका सबसे बड़ा कारण लोग ये मानते हैं कि उस वक्त सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, जो इन 10 सालों के दौरान ऐसा कोई भी बड़ा स्कैम कांग्रेस सामने लेकर नहीं आई। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा, आप राजस्थान तक देख रहे हैं इंडिया टुडे का। आज देश पूरे का मिजाज आ गया है, 11 बजे से लगातार इंडिया टुडे के ऊपर चल रहा है कि किस तरीके से राजस्थान सहित अन्य राज्यों में अगर ये आज के दिन लोकसभा के चुनाव हो तो कौन सी सरकार बनेगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। राजस्थान के मूड के बारे में जो सर्वे सामने आया है उसमें सीधे तौर पर बीजेपी है, वो हैट्रिक लगा रही है। 2014 में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, 2019 के अंदर भी 25 सीटें जीती थी गठबंधन के साथ है, और इस बार का जो मिजाज आया है उसमें साफ तौर पर हैट्रिक लगा रही है कांग्रेस को, 25 में से एक सीट नहीं मिल रही है। जो वोट परसेंटेज आया है उसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 58 या 59% के आसपास है वो इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को मिल रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन को जो है वोट परसेंटेज है वो महज 35% के आसपास मिल रहा है। तो आप देखिए लगातार राजस्थान के अंदर, आप देखिए ये तीसरी बार का मौका होगा जब लोकसभा चुनाव अगर ये आज के दिन हो जाए तो राजस्थान के लोग हैं वो 25 में से 25 सीटें बीजेपी को देंगे। तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर वो राजस्थान के मिजाज के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आखिर क्यों मोदी को बार बार चुन रहे हैं। तमाम लोग मौजूद हैं। अच्छा सर क्या नाम है आपका? ज्ञानाराम। कहाँ के रहने वाले हो? नीलसर से। अच्छा एक बात बताओ, जो लगातार आज अगर जो चुनाव हो तो एक सर्वे सामने आया है इंडिया टुडे आज तक का, जिसमें ये बताया गया है तीसरी बार भी राजस्थान के अंदर और देश के अंदर मोदी सरकार बन रही है। बिल्कुल बनना चाहिए। ऐसा क्यों, आप लोगों को मोदी पर भरोसा है या क्या लग रहा है? उनका काम बोलता है, काम बोलता है। क्या पसंद है आपको मोदी जी का? मोदी जी का काम है ना, वो जो भी काम होता है ना, वो काम पहले जो कांग्रेस सरकार होती थी तो उसमें काम नहीं होता था, अभी काम जो मनरेगा वगैरह सभी ऑनलाइन होता है, तो पहले पेमेंट जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है सीधा डायरेक्ट जनता को मिलता है वो। पहले क्या होता था? पहले उसमें दलाल होते 20 में खा जाते थे। अच्छा मतलब जो पैसा सेंट्रल से आता था वो अब डायरेक्ट मिलता है जनता को। अच्छा डायरेक्ट मिलता है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके साथ। और क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि राजस्थान के अंदर आज अगर जो चुनाव हो
तो जो सर्वे सामने आया उसमें 25 सीटें हैं वो बीजेपी जीत रही है। बिल्कुल जीत रही है। अच्छा, ऐसा लगता है सर्वे में हम तो बीजेपी। उसका सबसे बड़ा कारण है मोदी जी। मोदी जी, अच्छा ठीक है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम खबर खान जी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं बस्तियों क्षेत्र में जिंजनी अली भैया के रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या काम काज करते हो? कुछ नहीं, वैसे ऐसे बैठा हूँ, कुछ काम करता हूँ। क्या लग रहा है इस बार जो मिजाज है वो क्या है देश का लोकसभा चुनाव? मेरे हिसाब से यही है कि कांग्रेस भी आएगी। कांग्रेस आएगी लगता है इस बार? हाँ लगता है। दो बार तो नहीं आ पाई, ऐसे आएगी दो बार, अगली इस बार तो आ जाएगी। इस बार लग रहा है? क्या लग रहा है? क्यों आपको मोदी जी की नीति? मोदी जी हमारे लिए तो मोदी जी बहुत अच्छा है। लेकिन नीतियाँ कैसी है? बहुत अच्छी है नीतियाँ, लेकिन लग ऐसे रहा है कि ये शिव क्षेत्र में रविंद्र जी निर्दलीय या प्रियंका निर्दलीय है, इस कारण ये समर्थन अपने कांग्रेस को देंगे। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है। दोनों निर्दलीय है, बीजेपी का गेम बारमेर के अंदर बिगाड़ सकते हैं। हाँ बराबर। अच्छा, ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जो सर्वे आया उसमें तो ये बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर चाहे बाड़मेर हो, जोधपुर हो, जालौर हो, तमाम सीटें हैं वो बीजेपी को आएगी अगर आज चुनाव ना। बराबर, वो सर्वे तो होगा। अच्छा, मेरे हिसाब से। अच्छा, मेरे मोदी जी का कामकाज कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? सगन शर्मा नाम है मेरा। क्या क्या कामकाज करते हो? पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो। क्या लग रहा है इस बार जो लोकसभा के चुनाव है उसमें जो सर्वे सामने आए राजस्थान के अंदर 25 और फिर से मोदी जी की सरकार बन रही है, क्या लग रहा है मोदी जी को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? मोदी जी का काम है जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मतलब उनके हित में है। और वो उनके लिए मतलब सोचते हैं, उनका मतलब कोई स्वार्थ मतलब है नहीं ऐसा। तो वो पार्टी से ऊपर उठ के, मतलब एक समाज से ऊपर उठ के सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, और सभी के लिए एक समान नजरों से सभी काम करते हैं, इसलिए उनका मतलब। क्या लगता है इस बार फिर से मोदी? हाँ, सरकार तो मोदी जी बन जाएगी, लेकिन राजस्थान के अंदर संशय है कि 25 सीटें आने का नहीं है। इस बार क्या है कि बाड़मेर के अंदर प्रियंका जी चौधरी है, रविंद्र सिंह जी है, तो उनका मतलब इतना अब गेम बिगाड़ सकते हैं, वो गेम बिगाड़ सकते हैं। कैसा लग रहा है? मतलब बीजेपी को उनको चुनाव से पहले इनको पार्टी के अंदर ले लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो उनके उनके समर्थन नुकसान कर सकते हैं। उनके समर्थक है वो बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाड़मेर और जैसलमेर और वो सांसोर जालोर सिरवे की सीट है वो उसमें नुकसान। अच्छा, क्या नाम है? मुल्तान सिंह, गांव तोड़बी। अच्छा, शिव तहसील में। शिव में क्या लग रहा है इस बार जो लोकसभा के जो चुनाव है उसमें फिर से सर्वे में बता रहे हैं मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं? जी हाँ। क्या लग रहा है, आप क्या, आपकी क्या सोच है? सही है बिल्कुल। क्या लग रहा है मोदी जी को क्यों पसंद करते थे लोग? मोदी जी को इसलिए पसंद करते हैं कि हर क्षेत्र में मोदी जी ने बहुत ही विकास किया है। हाँ। बहुत सारा। अच्छा, कोई भी विषय ले लो आप। हाँ। जैसे सामाजिक हुआ, आर्थिक रूप में हुआ, जैसे एक उदाहरण के लिए ले लो ये जो आवास आते हैं, उस आवास के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट 60,000 रुपया SC ST को सिर्फ देती थी, जबकि मोदी जी ने 1,75,000 के लगभग दिया है, और अभी सुन रहे हैं कि 2.5 लाख कर दिया है। और पैसा भी सीधा आता है। और एक दूसरा जो गेहूँ मिलता है वो सब फ्री मिलता है, कांग्रेस ने आज तक कोई गेहूँ फ्री नहीं दिया। अच्छा, ऐसा है कि कांग्रेस तो योजना तो बहुत चलाती थी और जो गरीब होता था उसको उसका लाभ नहीं मिल पाता था, बिचौलिए खा जाते थे। पता नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलता था। अच्छा। बिचौलिया का तो कोई पता नहीं है। हाँ। पर यहाँ कुछ भी नहीं मिलता था। अच्छा। पूरे देश को उसने लूट के रख दे दिया। अच्छा, लूट के रखा। हाँ, पूरा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाओ। अच्छा, पैसे सब खा गए। हाँ। कुछ नहीं मिला। मोदी जी का 10 साल का कामकाज कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा, 100% रहा। इस बार फिर लग रहा है मोदी? 100% आएगा। अच्छा, बाड़मेर जैसलमेर में क्या लग रहा है? सॉलिड है। हाँ। अच्छा, चाहे कोई भी टिकट लाए, कोई भी टिकट लाए, वोट आप लोग क्या मोदी जी के नाम पर देते हैं? हाँ, मोदी जी के नाम पर। अच्छा, आप मोदी जी ही एक ऐसे है जो इस देश को बचा सकते हैं। हाँ। ताकि जो जितने भी पहले जितना भी गवर्नमेंट चलाई है ना, तो देश को खरोंच के खा गए पूरे। अच्छा, वो मतलब नेता खा जाते थे। मोदी जी के पास कोई लड़का है नहीं, कोई घर नहीं, कुछ नहीं है, वो तो एक भगवान है। हाँ। और राम का भगत है। हाँ। राम मंदिर बनाया है। हाँ। और दूसरे भी जो हिंदुओं के लिए जो जितना भी काम करते है वो अच्छा करता है। हाँ। और मुसलमान जितने भी है उनके लिए भी अच्छा करता है। अच्छा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए, चाहे सबके लिए अच्छे करते हैं। आप देखिए, ये बाड़मेर के लोगों का मिजाज है, जो कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल का कामकाज किया है, सबसे बड़ी बात जो लोगों को यहाँ पसंद आ रही है कि लोग सरकार जो योजना चला रही है उसका डायरेक्ट जो बेनिफिट मिलता है वो सीधा उसके खाते के अंदर आता है। बहुत सारे और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, कुछ कांग्रेस के लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महावीर जी,
आप कांग्रेस के बाड़मेर के प्रवक्ता है, आज राजस्थान के अंदर अगर जो इंडिया टुडे का एक सर्वे आया है जिसके अंदर पूरे देश के अंदर अलग 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 राज्यों के अंदर अगर जो आज के समय चुनाव हो तो क्या स्थिति है, राजस्थान के अंदर स्थिति बताई गई है 25 में से 25 सीटें बीजेपी जीतेगी, 58% के आसपास बीजेपी का वोट बैंक रहेगा और कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो 35 या 36%, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली बात तो ये है कि इंडिया टुडे ने जो सर्वे किया और उस सर्वे में अब वो बता रहे हैं कि बाड़मेर सीट वो जीत रहे है ना, और अभी वर्तमान में जो इलेक्शन हुआ एमएलए का उसमें 8 विधानसभाओं का आप देख लीजिए रिजल्ट, तो उस रिजल्ट के अनुसार तो कांग्रेस जीत रही है, पहली चीज ठीक है। अब अरे महावीर जी आप देखो ना यार, 2018 में आप सारी विधानसभा की सीटें जीत गए थे और जब 2019 के अंदर लोकसभा का जब चुनाव हुआ ना तो क्या हाल था, ये मत भूलो ना। फिर वही बात, आप पुरानी बातें ना करो, आज क्या है मिजाज आज देखिए ना, आप पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ बाड़मेर की बात करूंगा। बाड़मेर का मिजाज क्या है ये किसी से अछूता नहीं, बाड़मेर के सांसद महोदय से एक भी बात पूछ लो कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के लिए कुछ उन्होंने किया है तो बीजेपी को वोट मिल जाएंगे, नहीं तो वो देख लीजिए बाड़मेर विधानसभा, बाड़मेर जिले में 7 विधानसभा, 2 जगह इनकी जमानत जब्त हुई, तो कौन से वाले वोट वो तो सर बागी हो गए इसलिए जब्त हुई। अरे भाई विधानसभा में बागी हो सकते हैं, लोकसभा में बागी नहीं होंगे, किसकी महत्वाकांक्षा नहीं है। लोकसभा और विधानसभा की बात अलग अलग है, और रही बात आप जो कह रहे हो कि साहब विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव है वो अलग अलग होता है, लोकसभा का चुनाव है लोग जो लोकल प्रत्याशी होता है उससे ज्यादा मोदी जी को, अभी मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहा था, उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि यूपीए गवर्नमेंट के दौरान जो योजनाएं होती थी उसका जो पैसा होता था वो बिचौलिए खा जाते थे और मोदी सरकार के अंदर जितना पैसा आता है वो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, यही बात लोगों को पसंद है। देखिए ये जो अभी आपने बात की कि लोगों के खाते में पैसे आ जाते हैं, श्रीमान जी कोई भी काम होता है ना वो एक दिन में नहीं होता है, ये वही बीजेपी वाले लोग हैं जो आधार कार्ड को लेकर हमेशा अनर्गल बातें करते रहते थे कि आधार कार्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला है, और वही आधार कार्ड लिंक होकर बैंक में खाते में पैसे आते हैं तो वो कांग्रेस की देन है। ठीक है, रही बात आप बार बार ये बातें कहलवा के कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में फ़र्क है, तो आप अपनी बात मेरे मुँह में नहीं डाल सकते, जनता का मिजाज जनता चुनाव के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, चुनावी आंकड़ा कौन सा वाला भाई, अपन वर्तमान के सिनेरियो में जो वो होगा ना अब। और दूसरी चीज है कि आज लोकसभा के यहाँ के अपने सांसद कौन है, कैला जी चौधरी, अब कैला जी चौधरी का यहाँ कंट्रीब्यूशन क्या है अपन देख लीजिए, कोरोना काल में क्या हुआ, उन्होंने एयरपोर्ट यहाँ बना दिया, उन्होंने शानदार रेलवे स्टेशन बना दिया, किसानों को क्या कहते हैं वो काले कानून जो आए बाजरे के लिए स्टार्ट कर रहे हैं ना वहाँ क्या कर रहे हैं, भूमि पूजन कर दिया अभी, हाँ बस भूमि पूजन कर दिया क्योंकि वोट आने वाले नहीं। आप देखिए ऐन वक्त पे जो कोई काम होता है, जब कांग्रेस कोई काम करती है तो आप मंदू कहते हैं रेवड़ियां, अरे भाई जब जनता को पैसा दिया जाता है जनता को लाभ दिया जाता है तो अब आप जैसे लोग कहते हैं कि रेवड़ियां बांटी जा रही है, तो ये महोदय क्या कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि ये सरकार जो आई है ये मोदी सरकार, उसके बाद में महंगाई बढ़ी या घटी बताइए, महंगाई बढ़ी या घटी, बेरोजगारी बढ़ी है? यूपीए गवर्नमेंट के दौरान महंगाई नहीं बढ़ी थी क्या, यही मुद्दा था? बिल्कुल मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब हमारे समय में महंगाई बढ़ी हुई थी तो हमारी सरकार गई, आज के टाइम में क्या की सरकार गई, उसका सबसे बड़ा कारण लोग ये मानते हैं कि उस वक्त सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, जो इन 10 सालों के दौरान ऐसा कोई भी बड़ा स्कैम कांग्रेस सामने लेकर नहीं आई। आप ही बता दीजिए, हमेशा आप सवाल करते हैं, मैं अब आपसे सवाल करता हूँ कि मेरा काम सवाल करना है इसीलिए मैं अभी करूँगा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने आरोप लगाए थे, मोदी जी ने आरोप लगाए थे, वो अन्ना हजारे जी बैठ गए थे, 2G घोटाला करा दिया था, कोल घोटाला कर दिया था, पता नहीं ना जाने कितने कितने बोल दिए थे, कितने 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 जीरो का घोटाला हो गया है ना, कितने लोग जेल में गए, लेकिन कितने लोग जेल में गए, लोगों को पसंद नहीं, क्या नहीं, है देखिए दिनेश जी गलत बात आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी, आरोप लगा दिए थे परंतु एंड ऑफ द डे रिजल्ट बिग जीरो, कोई भी भ्रष्टाचारी अंदर नहीं गया, ये हकीकत है। चाहे मोदी, अब मैं बात बता रहा हूँ कि मोदी जी के टाइम के अंदर एक महेश शाह आदमी हुआ करते थे जो एक नोटबंदी के समय बहुत बड़ी डायरी लेके आए हुआ करते थे, वो महेश शाह कहाँ है, वो करप्टेड पर्सन वो कहाँ है। लेकिन लोग महावीर जी, लोग उसके बावजूद भी अभी अभी चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, मेरी बात सुनिए, चाहे 3 राज्यों के अंदर जहाँ चुनाव हुए, 5 जगह पर चुनाव हुए, लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं तमाम चीज़ों के बावजूद भी। देखिए मैं ये बहुत ही आदरपूर्वक बात मानूंगा कि लोकतंत्र के अंदर जिस पार्टी को मत ज़्यादा मिलते हैं तो लोगों की वो पसंद कहलाती है। मेरा देश आस्थाओं का देश है, मेरा देश भावनाओं का देश है, मेरा देश संवेदनाओं का देश है,
और इस आस्था और भावनाओं के साथ में राजनीति को जोड़कर वोटों को पोलराइज किया जा रहा है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आज भी आप भी देखते हैं और कई बार आप खुद न्यूज चलाते हैं, आसाराम जी के चेले आज भी है। वो आसाराम वही है जिसके लाखों करोड़ अनुयायी होते, माननीय मोदी जी भी उनके अनुयायी थे, उनके स्टेज के साथ वो कहते थे मैं तो उनको गुजरात में सुनने गया, मैं उनको केरला में सुनने गया, है ना। ये देश आस्थाओं से जोड़ दिया गया है। आप मुझे बता दीजिए, आप नहीं नहीं नहीं, नहीं एक मिनट आप मुझे बता दीजिए, मैं कांग्रेस की कुछ कार्य बता देता हूँ, उसके बाद आप मुझे बता देना कि इस मोदी सरकार ने इन देश के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए क्या किया, वो मुझे बता देना, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ महानरेगा। मोदी जी ने लोकसभा में कहा था कि ये तो जीता जागता वो सबूत है जो कांग्रेस के लिए रोता रहेगा। क्या किया, वो महानरेगा चल रहा है जिसके लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में कांग्रेस ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या काम किया, हम लोगों ने, मैं ही कहता हूँ, मैं जिसका प्रोडक्ट हूँ, नवोदय विद्यालय स्कीम राजीव गांधी जी ले आए थे, क्या ले आई आज शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया। आप देखिए मेरी बात, लोकतंत्र के अंदर गिनती वोटों की होती है और किसी चीज की नहीं होती, आप इस बात को भी समझते हैं ना, ये आप मानते हैं ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आखिरी मेरा सवाल है कि क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी जो कि 2 साल से घूम रहे हैं लगातार, कुछ बदलाव कर पाएंगे, कुछ कांग्रेस के लिए कुछ कर पाएंगे? राहुल गांधी जी इस देश के लिए कर रहे हैं, ना कि कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, पहली बात तो ये। राहुल गांधी जी कोई शासन और सत्ता के भूखे नहीं है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, राहुल गांधी जी इस चुनावों में बहुत बड़ा भयंकर बदलाव लाएंगे और वो बदलाव आपके लिए सरप्राइजिंग होगा। और जब अभी आपने कहा था कि 25 में से 25 राजस्थान में सीटें आएगी, तो मैं माननीय आपको कह देता हूँ कि बाड़मेर जैसलमेर सीट को आप उसमें से काट देना, ये डंके की चोट कह रहे हम लोग। देखिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है जो कि लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी है वो एक बड़ा चमत्कार करेंगे, बहुत सारे और भी लोग हैं। अच्छा बाबा, क्या नाम है आपका? रामूराम। कहाँ के रहने वाले हो? सिर्फ तहसील नागड़दा। नागड़दा, क्या किसान क्या काम काज करते हो? खेती का काम कर रहा हूँ। क्या लग रहा है इस बार जो 10 साल का मोदी सरकार का शासन रहा, कैसा लगा, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, बिल्कुल लाइट तो है नहीं। अच्छा, लाइट है नहीं, बेरा खोजा कर्जी पब्लिक हो गई, अभी क्या करे। अच्छा, मोदी आपको क्या लग रहा है कि इस बार फिर से मोदी आएगा, तीसरी बार क्या आएगा? महंगाई बढ़ाया, लाइट नहीं मिली है, मोदी के नजदीक कोई भाईगा नहीं। अच्छा, तो भी लोग तो मोदी को पसंद करते हैं ना, अभी चुनाव हुआ तो भी राजस्थान के अंदर 12 महीने में लोग भूख मरेगा, लाइट नहीं मिलेगा तो। अच्छा, आप देखिए ये किसान है जो कि बिक्री बढ़ेगा राजस्थान के अंदर, बिक्री बढ़ेगा, लाइट नहीं मिलेगा तो। अच्छा, बिजली की बड़ी समस्या गांव के अंदर बड़ी, नहीं तो कांग्रेस के अंदर समस्या नहीं थी क्या? अरे कांग्रेस कम थी, इतनी नहीं थी, अभी 3 घंटा 2 घंटा दे रही है। अच्छा, पहले कितनी आती थी? पहले 8 घंटा आते है, अभी भी सक्की का आटा पीसने के लिए। हाँ, उस वक्त भी किसान, यहाँ के किसान तो प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त गहलोत सरकार ने लाठियां चला दी थी। लाठियां सलाई तो आप पकड़बाजी सलाई हुई, लाइट रहे बारे में तो लोग के बहुत परेशानी है। अच्छा, हाँ जी, आप देखिए ये किसान है जिनका सीधे तौर पर कहना है कि बिजली है वो बड़ी समस्या है, बिजली से किसान परेशान है फसल को लेकर। तो कुल मिलाकर आप देखिए ये बाड़मेर के लोगों का मिजाज था। दिनेश बौर, आप बाड़मेर राजस्थान तक।